सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 से श्लोक संख्या 18 समझने का प्रयास करेंगे, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल श्लोक है, कह सकते हैं फिलोसॉफिकल श्लोक है, समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य से सरलता पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक दोहराएंगे, कर्मण्यकर्म पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्णकर्मकृत्। एक बार और, कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु सहयुक्तः कृष्णकर्मकृत्। हरे कृष्ण। आप में से कौन श्लोक उच्चारण करेंगे, कोशिश कीजिए। यस, विभाजन माता जी, वृंदावन यात्रा के बाद। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी। कर्मणि अकर्म पश्येत कर्मणि च कर्म कर्म सबुद्धिमान मनुष्यशु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। हरी बोल, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। गला खराब हो रहा है प्रभु थोड़ा। हाँ माता जी, गला लय सब जो यात्रा करते हैं, पूरा परिक्रमा करते हैं गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, सर्दी का मौसम, तो थोड़ा सा प्रभाव हो जाता है हरे कृष्ण। शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराएंगे, दोहराना नहीं, साथ साथ पढ़ना है शब्दार्थ। कर्मणि कर्म में, अकर्म अकर्म, यह जो पश्येत देखता है, अकर्मणि अकर्म में, च भी, कर्म सकाम कर्म, यह जो, सह वह, बुद्धिमान बुद्धिमान है, मनुष्येषु मानव समाज में, सह वह, युक्तः दिव्य स्थिति को प्राप्त, कृष्ण कर्म कृत, सारे कर्मों में लगा रहकर भी। अनुवाद बोलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जलपा खैनी माता जी से, आज का टॉपिक क्या दिया था क्लास का मालूम है, कुछ याद आ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। बुद्धिमान व्यक्ति का दृष्टिकोण कर्म के लिए। यस, कर्म के प्रति जो व्यक्ति कर्म करता है उसमें बुद्धिमान व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण है, उसको हमें समझने का प्रयास करना है आज के इस श्लोक के माध्यम से। भगवान ये बात यहाँ पर बता रहे हैं, तो मैं अनुवाद पढ़ता हूँ, आप सभी उसको अनुवाद को हमारे पीछे दोहराएंगे। म्यूट कर दीजिए दर्शिनी घड़ियाल माता जी, म्यूट कर दीजिए माइक को। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यस, तो ये बुद्धिमान मनुष्य कौन है, बुद्धिमान व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा है, और वे अलग 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 प्रकार के कर्मों में लगे रहने के बाद भी क्या कहा गया है, दिव्य स्थिति में रहता है। कोई बता सकता है कि कोई व्यक्ति, एक जनरली हम उदाहरण बोलते हैं, आप सब लोग भी जनरल भाषा में एक उदाहरण बोलते हैं कि वहां रहता हुआ भी उससे अनटचड रहता है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, किसी को उदाहरण याद आ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस yes. वो आपने पाकिस्तानी सेना के लिए बोला था, मैं रहकर भी इंडिया के बारे में सोचकर जीता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। एक और जनरल प्राकृतिक उदाहरण, नेचुरल एग्जांपल, लोटस लीफ प्रभु। यस, जो है लोटस कहाँ पे ग्रो होता है, बहुत कीचड़ के अंदर, गंदगी के अंदर, थोड़ा सा जो नाला सा है कुछ है इस तरह से, उसमें ग्रो होता है, वो उसमें आता है, बहुत सुंदर फूल होता है,
और जो लोटस लीफ होती है, जो उसका पत्ता होता है, उसमें रहता है, पानी में रहने के बाद भी उस पानी से अनटचड रहता है। वैसे ही एक व्यक्ति जो बहुत भौतिक दुनिया के कार्यक्रमों में लगा हुआ है लेकिन वो उनसे प्रभावित नहीं रहता है, उससे दिव्य स्थिति में रहता है। जैसे कहते हैं ना, कीचड़ में अगर पत्थर मारो या कुछ करो, कीचड़ तुम्हारे ऊपर नहीं लगना चाहिए, ऐसा कुछ इस तरह से थोड़ा दोनों तरह की कहावत है, दोनों तरह की, एडमिट कर दीजिए, दोनों तरह की कहावत है कि अगर कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ तुम्हारे ऊपर आएगा ही आएगा, राइट। हरे कृष्ण। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कह दिया था, टेक्निकल श्लोक है थोड़ा सा, कोशिश करेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य से अच्छे से समझने का। सबसे पहला क्या है, कर्मण्य अकर्मण यह पश्चेत, कि जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। अब ये कर्म में अकर्म को देखना क्या है और कर्म अकर्म में कर्म को देखना क्या है, उसको हम तात्पर्य से ही समझ पाएंगे। जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि भगवद गीता का ज्ञान कौन सा है, गुह्य ज्ञान है। कहां पर कहा गया था, तीसरे श्लोक में। तो भगवान ने कहा ये गुह्य ज्ञान, ये दिव्य विज्ञान, ये प्राचीन विज्ञान, इसको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमें कैसे समझना होगा इसको, छाया खूट माता जी कैसे समझेंगे इस प्राचीन दिव्य विज्ञान को? गुरु शिष्य परंपरा द्वारा। यस, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा। अगर आप मान लीजिए स्वाति जी और दो चार डिवोटीज, भावना गुप्ता जी, वंदना गुप्ता जी और आप भी, अरुणा देवानी जी, लीना पटेल जी, प्रवीणा जी, जलपा खैनी जी, विभा जी, विनोद अग्रवाल जी और भी डिवोटीज, एस एन बांगर जी, वंदना बारोट जी, पूनम गर्ग जी, मान लीजिए आप सब लोग संस्कृत जानते हैं, अच्छे से संस्कृत जानते हैं, तो क्या आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं? जस्ट एक ट्रांसलेशन कर सकते हो कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वो बुद्धिमान है और ऐसा व्यक्ति जो है दिव्य है, इसका मतलब क्या है? बहुत समझना मुश्किल है। तो जैसा कि हम कल समझे थे कि गहना कर्मणो गति ही, क्या मतलब है इसका गहना कर्मणो गति ही? अत्यंत कठिन। यस, कर्म की बारीकियों को जानना बहुत कठिन है। इसलिए हमने समझ लिया था कि कृष्ण भावनामृत में ही कर्म करना चाहिए, वो कर्म करना है जो कृष्ण भावनामृत में है। दूसरा जो भी कर्म करेंगे वो क्या हो जाएगा, विकर्म हो जाएगा, वो बिल्कुल भी ऑथराइज्ड कर्म नहीं है, उस कर्म को निषिद्ध कर्म कहा जाएगा, वो कर्म हमें नहीं करना चाहिए। तो हमने ये कल बात समझी थी और अब इसी को हम आगे समझने जा रहे हैं तात्पर्य के माध्यम से। आइए, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसका उत्तर देंगे स्वाति जी कि इसका वो कैसे है, मुक्त होता है बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त होता है, क्योंकि प्रभु जी कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्य अकर्म होते हैं, उसमें मुक्ति मिलती है, विकर्म और ये करेंगे तो उसमें बंधन में फंस जाते हैं। यस, बहुत सुंदर, हरी बोल, क्या बात है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो बहुत अच्छा है सब लोगों में। तो कर्म का मतलब हो गया बंधन, पुण्य का बंधन, विकर्म का मतलब बंधन, पाप का बंधन। तो जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है वो न तो पुण्य करता है न ही पाप करता है। एक उदाहरण से समझिए इस बात को अच्छे से। कोई लोग गलती करने के बाद उनको जेल में भेज दिया जाता है, कुछ वो क्राइम करते हैं तो उसको जेल में भेजते हैं, और सारे जेल में रहने वाले कौन होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, अपराधी होते हैं, सारे जेल में रहते हैं। अब जेल में रहने के बाद, उदाहरण लिख सकते हैं आप जस्ट जेल का उदाहरण तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जेल में रहने के बाद कुछ लोग ऐसे कर्म करते हैं जिसकी वजह से जेल के अंदर का उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाता है।
कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिससे कि जेल के अंदर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। जैसे कि पहले कौन सी जेल मिली हुई थी, सबसे पहले 6x6 कोठरी की जेल, उसमें बस एक खिड़की थी और कुछ नहीं है बस। फिर उसके बाद बोले थोड़ा उसने ऐसा कर्म किया, सारा जेल का डिसिप्लिन फॉलो किया, सारा नियम फॉलो किया, जेलर की बात को माना, तो उसको नेक्स्ट लेवल की जेल मिल गई। वो कौन सी जेल मिली? 6x10 की जेल मिल गई, और उसमें छत के ऊपर एक पंखा भी दिया गया था, और संडे संडे एक लड्डू मिलता था खाने में। ये कौन सी जेल हो गई? 6x10 की जेल हो गई। और उसके बाद बोले एक और जेल हो जो थोड़ी और बड़ी हो, जो 20x30 फीट की हो, उसमें खिड़की भी हो, पंखा भी हो, साथ साथ में क्या हो, बेड लगा हुआ हो, जमीन पे नहीं सोना हो, कॉट लगा हुआ है। तो एक तरफ तो वो ऐसे कर्म करता है जिससे उसको जेल के अंदर ही अपग्रेडेशन मिलता रहता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरा व्यक्ति जेल के अंदर क्या करता है, एक बार तो बाहर क्राइम करके आया, फिर जेल के अंदर ही क्या करता रहता है, किसी का जेल के अंदर भी मान लीजिए किसी के 50 रुपए है, 100 रुपए है, कुछ 500 रुपए किसी के, वो चोरी करता लेता है। पहले भी क्राइम करके आया है, जेल में आ गया, और जेल में आने के बाद में भी क्या करता है, चोरी करता है, लड़ाई करता है, वो जेल के अंदर भी कभी मर्डर कर देता है, किसी की हत्या कर देता है, तो उसका क्या होगा बोलिए, उसका क्या होगा, नीचे जाएगा। हाँ, उसको और ज्यादा सजा मिलेगी, उसको और मान लीजिए अगर वो बड़ी कोठरी में था तो उसको और छोटी कोठरी में डाल दिया जाएगा, उसको और घनघोर सजा दी जाएगी, राइट। तो अब थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, इस भौतिक जगत को क्या बोला गया है, दुर्ग। दुर्ग मतलब किला, किला मतलब जेल, जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, इसको अपनी शक्ति से पार करना मुश्किल है। याद कीजिए, हम माया शक्ति को कैसे पार कर सकते हैं, कौन बताएगा, माया देवी से हम कैसे पार हो सकते हैं? कृष्ण भावना अमृत। प्रॉपर उत्तर श्लोक से उत्तर देना, सरल उत्तर तो ये वाला तो अपने कॉमन उत्तर है। यस, प्रेरणा सिंगल जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया था कि माया देवी के जो स्वामी है कृष्ण जी से, उनसे प्रार्थना करके, से एक कुत्ता था उसके, यस, भगवान की शरण में जा करके, 7.14 श्लोक नंबर याद रखना, जल्दी से खोल दीजिए, ये वापस भूल गए ना, बहुत दिन हो गए। 7.14 सातवां अध्याय और श्लोक संख्या 14 खोलिए, क्या लिखा है, श्लोक पढ़िए जल्दी से शीतल माता जी, श्लोक पढ़िए 7.14। हाँ प्रभु, त्रिभी गुणा माताजी, यस पढ़िए संस्कृत में ना प्रभु जी। हाँ संस्कृत में ना। हाँ संस्कृत में श्लोक पढ़िए। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्याय माम एव, ये प्रबंधन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। बहुत सुंदर, देवी है एषा गुणमयी, गुणमयी ये माया जो है गुणमयी है, कौन कौन से गुण है इसके अंदर, खट्टा मीठा और तीखा, राइट, सत्व रजस्तम नहीं, सत्व रजोतम गुण, रजोगुण और तमोगुण, तो ये जो है त्रिभिर गुण, जो गुण वाली माया है, देवी है ऐसा गुणमयी मम माया, और ये किसकी माया है, भगवान क्या बोल रहे हैं, वंदना खांडेकर माता जी, भगवान क्या बोल रहे हैं, किसकी माया ये, माइक अनम्यूट करके बोलेंगे। यस yes? भौतिक जगत की माया है, भौतिक जगत की माया, भौतिक जगत को ही माया बोलते हैं, भौतिक जगत माया किसकी है बताइए, ये मेरी माया है, भगवान भगवान कह रहे हैं मम माया, ये मेरी माया है, और मेरी माया को या तुम अपनी शक्ति से पार नहीं कर सकते, तो कैसे पार होंगे, मामे ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में अगर आओगे, माया में ताम तरंती ते, तो इस माया से पार कर सकते हो। तो कुत्ते वाला एग्जांपल याद आ गया आपको, यस, जेल वाला और कुत्ते वाला एग्जाम्पल,
अगर हम बाहर के न्यायाधीश से हमारा संपर्क है तो हम जेल से आराम से बाहर निकल सकते हैं। और जैसे कुत्ते वाला उदाहरण, किसी के घर में जाते और बाहर कुत्ता जो है तो वो परेशान करता रहता है, अंदर नहीं जाना देता मिलने के लिए, लेकिन अंदर से मालिक बोलता है बैठ जाओ टॉमी सिट डाउन, तो चुपचाप बैठ जाता है। ऐसे माया देवी को जो भगवान आदेश देते हैं ये मेरा डिवोटी है इसको डिस्टर्ब मत करो परेशान मत करो, तो हम उस माया से पार कर सकते हैं भगवान की शरण जाएंगे। तो यही 7.14 में कहा गया है, जल्दी से अनुवाद पढ़िए रीनल पटेल जी 7.14 का। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। जो निपट मूर्ख है जो मनुष्य, नहीं 7.14 चल रहा है माता जी, अभी तो श्लोक पढ़ा ना, देवी है ऐसा गुणमयी जी, मैं बोलो नहीं उनको मालूम है। हाँ, पिछला श्लोक पिछला शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। यह प्रकृति के तीन गुणों वाली मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है, अपनी शक्ति से हम नहीं कर सकते। कैसे करेंगे फिर, कैसे बाहर निकलेंगे इस बंधन से, कर्मों के बंधन से, गुणों के बंधन से, सब माया है। तो कहा जा रहा है भगवान की शरण में जाएंगे तो हम इससे सरलता से पार कर सकते हैं, आसानी से पार कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल जल्दी से याद दिला दीजिए मुझे, जल्दी से समुद्र का एग्जांपल याद दिला दीजिए, कौन सा एग्जांपल था, नाव समुद्र और कुछ बछड़े का पैर याद दिला दीजिए, गाय के बछड़े का पैर एग्जांपल। यस, बछड़े का पैर भगवान की शरण जाने से ये दुनिया गौखूर के समान हो जाती है। यस, जी भगवान की शरण जाएंगे तो ये संसार सागर, इतना बड़ा ये सागर है, वो गाय के बछड़े के पैर का जो जो साइज होता है, खुर होता है, उसमें जितना पानी इकट्ठा होता है उतना हो जाएगा। उसको फिर कैसे पार करेंगे आप, एक बड़ा जहाज लेके जाएंगे फिर उसको पार करेंगे, राइट, सिंपल, उसको स्टेप ओवर कर जाएंगे, सरलता से पार कर सकते हैं, राइट। हरे कृष्णा। तो यही बात कही गई है कि वापस आ जाइए श्लोक संख्या हमारा जो 18 है अध्याय 4 का तात्पर्य देखिए, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है, क्योंकि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें कर्म बंधन लगे, वो सारे के सारे काम ऐसे करता है जिससे कि वो कर्म बंधन से मुक्त हो। ठीक है, अगली वाली लाइन देखिए क्या लिखा है, उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं। हरि बोल, कल भी हमने बात की थी इस बात को, उसका सोना, उसका जागना, उसका नहाना, उसके कपड़े पहनना, उसका और भी कुछ कार्य करना, सब कुछ सारे के सारे कार्य वो किसके लिए होते हैं, भगवान के लिए होते हैं, कृष्ण के लिए होते हैं सारे कर्म, हर एक कार्य। अब देखिए, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। कर्म के फल की वो न तो आशा करता है, और कर्म का फल कैसा होता है बोलिए, कौन बताएगा, स्तुति माता जी, कर्म का फल कैसा होता है जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है उसका, उसमें कोई उसको लाभ, कर्म का फल कैसा होता है जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, कोई भौतिक कर्म का फल नहीं होता है, उसका फल क्या होता है, भक्ति, सुकृति, आध्यात्मिकता, तो वो कर्म बंधन नहीं लगता है उसको। ठीक है, आगे, फल स्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, मानव समाज में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति किसे कहा गया है बोलिए, ब्राह्मण, ब्राह्मण, आपने ब्राह्मण बोला, हाँ रिंपल देवानी जी, ब्राह्मण बोला, ब्राह्मण क्यों बोला, अभी किताब में क्या ब्राह्मण लिखा हुआ है क्या,
नहीं प्रभु जी, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो। अभी लाइन पढ़ी ना, फल स्वरूप होता है जो, हाँ जो कृष्ण भावनामृत में है, फल स्वरूप किसके फल स्वरूप, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति फल स्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। आप सब लोग बुद्धिमान हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं। याद कीजिए चैतन्य महाप्रभु का श्लोक, ठीक है। अब वापस से जेल वाले एग्जाम्पल पे आ जाइए, जेल वाला हमने एग्जाम्पल दिया उस पर आ जाइए वापस से। हरे कृष्णा, हाँ यस, मैंने अभी तक जेल का एग्जाम्पल क्या दिया समझाएंगे ममता पटेल माता जी, अभी तक जेल का एग्जाम्पल क्या दिया वो समझाइए जल्दी से, माइक अनम्यूट करके बोलिए तो मेरे को सुनाई देगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। अभी आपने समझाया कि जेल में रहकर रहने के बाद भी कुछ लोग जेल के अंदर का स्टैंडर्ड बाय लिविंग का उच्च हो जाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत अच्छा काम करते हैं जेल के अंदर, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। वाह माता जी, ऐसे कैसे गड़बड़ चलेगा, डांटना नहीं है ना? हाँ? डांटना नहीं है ना, डांटना नहीं है ना, डांटना, ठीक। तो जेल के अंदर का जो एग्जाम्पल था वो ये था कि कोई जेल के अंदर रह करके थोड़े अच्छे काम करता है तो उसका जेल के अंदर अच्छी सुविधा मिल जाती है, कृष्ण भावनामृत का कर्म नहीं। और जेल के अंदर भी वो रह के गलत काम करता रहता, चोरी करता रहता, और कुछ मान लीजिए कुछ ड्रग्स लेके आ जाता है, अंदर ही किसी को हत्या कर देता है, कुछ और कर देता है, तो उसको और सजा मिलती है और उसको कठिन, उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति है, वो क्या करता है जेल में रह करके ऐसा कार्य करता है जिससे कि वो जेल से बाहर आ जाए, उसको कहेंगे बुद्धिमान व्यक्ति। समझ में आया आपको स्वाति जी? समझ में आ गया। बुद्धिमान व्यक्ति किसे कहेंगे? जो जेल से बाहर आने के लिए काम करे, न कि जेल के अंदर ही रहने का कुछ बड़ा इंतजाम करता रहे। हम सब लोग क्या करते रहते हैं, जेल के अंदर ही बड़ा घर और अच्छा अपार्टमेंट और पेंटा हाउस, डबल पेंटा हाउस और कुछ ऊपर टेरिस गार्डन और बढ़िया गाड़ी के लिए पार्किंग, जेल के अंदर ही और अच्छा अच्छा घर ढूंढते रहते हैं। अरे भैया, जेल के अंदर कितना भी अच्छा घर बना लो, जेल के अंदर ही हो आप, तो जेल से मुक्त होने के लिए कुछ कार्य करना है। अच्छा घर है, बढ़िया है, ठीक है, अब उस घर के अंदर रहते हुए भक्ति करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, अकर्म करो, कृष्ण भावनामृत में कर्म करो, तो इस जेल से मुक्त हो जाओगे। ये बात हमें समझने की है। तो अब बताइए जल्दी से, किससे पूछूं मैं, गलत उत्तर देंगे तो भी मुझे वो नहीं होना, नाराज नहीं होना है, ठीक है। हरे कृष्णा। प्रवीणा माता जी बताएंगे, माइक अनम्यूट कीजिए। आपको उत्तर देना है कर्म, अकर्म और विकर्म में से, ठीक है? ठीक है माता जी, आपको बताना है ये कर्म है, अकर्म है या विकर्म है, बताना है। जेल के अंदर रह करके, एक बार तो बाहर गलती किया फिर जेल में आ गया, जेल के अंदर रह करके वो कुछ चोरी करता है या हत्या करता है, कुछ गलत काम करता है, वो क्या है, कर्म, अकर्म या विकर्म? विकर्म। वाह क्या बात है, हरी गो। ठीक है, अगला प्रश्न। जेल में रह करके वो कुछ पुण्य के कार्य करने लग जाता है, मतलब थोड़े अच्छे कार्य करने लग जाता है, तो कर्म, अकर्म या विकर्म? कर्म। क्या बात है, हरी गो। और वो जेल में रह करके न्यायाधीश को खुश करने की कोशिश करता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है सुप्रीम कोर्ट को खुश करने की कोशिश करता है, तो वो कर्म है, अकर्म है या विकर्म है? अकर्म। अकर्म है, हरी बोल, क्या बात है माता, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग। एक और प्रश्न ले ले इसी तरह का, एबीसीडी वाला, ठीक है, बताइएगा आप। अगला प्रश्न है हमारे, किससे पूछे, प्रवीणा माता जी तो हाई स्कोर पे पहुंच चुके हैं। भगवती माता जी माइक अनम्यूट कीजिए, बताइए। साउंड बहुत आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप जो हैं धन संपत्ति को अपने इंद्रिय भोग के लिए उपयोग करते हैं, कर्म है, अकर्म है या विकर्म है?
प्रभु जी कर्म है ये, विकर्म 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 है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। नहीं नहीं, हाँ विकर्म हो गया। आप अपने धन को दूसरों को मदद करने के लिए दान देते हैं, कर्म है अकर्म है या विकर्म है? कर्म प्रभु जी, कर्म है। ठीक है, आप अपनी धन संपत्ति को कृष्ण भावनामृत में प्रचार के लिए उपयोग देते हैं, उसके लिए देते हैं, तो कर्म है अकर्म है विकर्म है? अकर्म है। क्या बात है, हरी वो, वेरी नाइस। तो इस तरह से आपको करेक्ट अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। ठीक है स्वाति जी, माइक अनम्यूट कीजिए। कब किसका नंबर आ जाए मालूम नहीं प्रभु, हार्ट बीट बढ़ जाता है इसलिए हम माइक वीडियो ऑफ रखते हैं। ठीक है, बताइए। कोई भी भोजन जो है, वो भोजन जो है आप अपने लिए ध्यान में रख करके पकाते हैं, खुद के इंद्रिय भोग के लिए पकाते हैं, तो वो कर्म है अकर्म है या विकर्म है? विकर्म। इसे पूछा जाए उसको बताना है, सब बताएंगे, सब बताएंगे। वाह ठीक है, सब बताइए। तो एबीसीडी में उत्तर दे दिए, ये माता जी को ही बताने दो प्रभु जी। ठीक है, सभी लोग बताइए, 1 2 3। आप सभी लोग बहुत अच्छे से उत्तर दे दिए हैं, सभी के लिए तालियां हो जाए, हरी बोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेल वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, जेल के अंदर रह करके बड़ा इंजीनियर बन गए या बड़ा बिजनेसमैन बन गए या जेल के अंदर रह के बड़ा डॉक्टर बन गए, कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं। हमें क्या करना होगा, जेल से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी, वो विचार होना चाहिए, ऐसा काम करना है जिससे कि जेल से बाहर निकले, और उसको क्या बोलते हैं, अकर्म। हम कहां फंसे हुए मालूम है, हम ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहां पर हमारे यहां लॉज लागू होते हैं, नियम लागू होते हैं, नियम पालन करने पड़ते हैं, अगर नियम पालन नहीं किए तो हम बंधन में फंस जाते हैं। ऐसी जगह हम फंस गए, हमें ऐसी जगह जाना है जहां पर नियम लागू नहीं होते हैं, और वो क्या है, गोलोक वृंदावन, भगवान का धाम, हम पूर्ण आनंद में रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, यहां तो नियमों से बंध जाते हैं पूरी तरह से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। अब इसका उत्तर देंगे वंदना बारोट माता जी। जेल में रहने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है, कौन सा वाला, पहला दूसरा तीसरा? जेल में रहने वाला व्यक्ति जो बाहर निकलने की कोशिश करता है वो बुद्धिमान है। हरी बोल, बहुत सुंदर, हरे कृष्णा। जो बाहर निकलने की कोशिश करता है वो बुद्धिमान है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है, कर्मों में तो लगा हुआ है। श्लोक की लास्ट लाइन क्या बोलिए स्वाति जी, श्लोक के अनुवाद की लास्ट लाइन सभी लोग ध्यान दीजिए, सभी लोग समझिए। वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो सबसे पूछूंगा, सबके साथ इंटरेक्शन होगा, सबको अच्छा लगेगा। यस प्रभु जी, लास्ट लाइन तो मतलब वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है वहां से? नहीं नहीं, सभी सब प्रकार और सब प्रकार और सब प्रकार अनुवाद की या? अनुवाद की, अनुवाद की, श्लोक के अनुवाद की, और सब प्रकार। बोलो प्रभु जी, एक रुक जाइए भाभी, श्लोक में नीचे जे पेलू छे शब्दार्थ नीचे। हाँ ये पण जो मनुष्य बोर्ड का एग्जाम थोड़ा ना चल रहा है जो चीटिंग करवाने में मदद। हाँ, और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। ये सब कृपा, सब प्रकार के कर्मों में लगभग सारे कर्म करते वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है, वो दिव्य स्थिति में रहता है। वो कौन है बोलिए, वो कौन है? कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला व्यक्ति बहुत सारे कर्म करता रहता है, इसलिए क्या कहा गया श्लोक के अंत में, संयुक्त कृष्ण कर्म कृत। वो कर्म तो करता रहता है लेकिन कर्म के बंधन में नहीं फंसता है, वो कौन है? कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो लास्ट लाइन समझ में आ गई सभी को, वह सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। क्या मतलब है इसका स्वाति जी, सॉरी नेक्स्ट पूछता हूं किसी और से। प्रभु
हरे कृष्ण। सोनम सोनी जी बताइए, सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी, सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहने से क्या अर्थ है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सर्व प्रकार के कर्मों में लिप्त रहने से मतलब है कि माया में हमें अपने कर्म तो करने पड़ेंगे, पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी अपने सारे कर्मों को, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हुए कर्म करेगा। थोड़ा सा और इसको सरल भाषा में याद कीजिए, कौए और कोयल का एग्जाम्पल, कौए और कोयल क्या एग्जाम्पल था बोलिए? दोनों देखने में दिखते एक से, दोनों ही काले होते हैं, पर जैसे ही कोयल बोलती है तो उसकी आवाज से पता चल जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्यों दिया गया था प्रभु जी? क्योंकि कर्म दोनों के अलग अलग है, कर्म करने से पता चलता है कौन कैसा है। किसी ने पीछे बोला ना, इसलिए आपको उत्तर नहीं आता, ये समझ में आया होता तो बोल देते। मैं बोलू प्रभु जी? बोलिए, कौन बताएगा? यस बोलिए। वो जैसे कि दोनों काम करने के लिए निकलते हैं, एक ऑफिस के लिए दफ्तर लेके निकलते हैं, हाँ दोनों का कर्तव्य होता है, लेकिन ये कृष्ण भावना अमृत में काम करते हैं। यस, दोनों सेम काम करते हैं, दिखते सेम है, ये भी ऑफिस जाता है, ये भी ऑफिस जाता है, पैसा कमाता है, मार्केट जाता है, चीजें खरीद के लेके आता, सब कुछ, लेकिन एक व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका उपभोग करता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति भगवान को अर्पण करके फिर प्रसाद रूप में स्वीकार करता है सारी चीजों को। तो पहला व्यक्ति कौए जैसा है, दूसरा व्यक्ति कोयल जैसा है। तो कर्म में तो लगा हुआ है, ऑफिस जाना, मार्केट जाना, ये करना वो करना। कई बार लोग हमारे से भी पूछते हैं, प्रभु जी आप भी तो 10 बजे बाद बस बैग उठा के बाहर निकल जाते हो, आप भी तो लोगों को कुछ डोनेशन के लिए मांगने चले जाते हो, आप लोग भी तो ऐसे बहुत सारे कर्म करते हो, तो आप लोग भी तो कर्म में प्रवृत्त है। एक्चुअल में वो कर्म किससे जुड़ा हुआ है? कृष्ण से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो क्या है? दिव्य कर्म है। ठीक है, आइए आगे बढ़े। आशा करता हूं आपको समझ में आ गई ये लाइन, बहुत सरलता से प्रभुपाद जी ने समझाया। राजेश दुबे जी, धन्यवाद। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। अकर्म का अर्थ क्या बताया? कर्म के फल के बिना, कर्म का फल नहीं आता है। जनरली व्यक्ति क्या सोचता है बोलिए? काम नहीं करेंगे तो काम का फल नहीं आएगा। अर्जुन क्या सोच रहा था? लड़ाई नहीं करूंगा तो मुझे कोई पाप नहीं लगेगा और मैं आराम से पाप से मुक्त रहूंगा। लेकिन भगवान ने क्या बोला उसको? नहीं, तुम क्षत्रिय हो और तुम अगर कर्म करोगे तो तुम्हारा उसमें कुछ भला है। तो कितनी बड़ी बात हमने पहले भी बोली थी, याद कीजिए। लोहा किसको काटता है? लोहे को। क्या बोलते हैं कहावत, क्या बोलिए? लोहा लोहे को काटता है। यस, तो कर्म ही किसको काटेगा? कर्म बंधन को काटेगा। कौन सा कर्म? अकर्म कर्म बंधन को काटेगा। मतलब भक्ति का मतलब ऐसा नहीं है चुपचाप बैठने का, भक्ति का मतलब क्या है? कर्म करने का, कृष्ण कर्म करने का। ठीक है, अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। समझ में आ गया कि नहीं आया बोलिए? अगर पहले के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको। नहीं आया तो बोल दीजिए, वापस समझाऊंगा। इसमें कोई अपनी मेरा जो ब्लैक बोर्ड पे चौक खत्म नहीं हो रहा है या कुछ पेन जो है वो खत्म नहीं हो रही है। आ गया समझ में? पढ़िए, खुद से पढ़िए। जब मैं पढ़ता हूं ना, साथ साथ पढ़ लिया करो तो आपको समझ में आएगा। निर्विशेषवादी किसे कहते हैं? निर्विशेषवादी मुक्ता माता जी, निर्विशेषवादी किसे कहते हैं? तो जो भगवान के निराकार रूप को ही मानता है। या जो भगवान के ब्रह्म रूप को मानता है, निराकार रूप को मानता है, तो ऐसे ही निर्विशेषवादी लोग क्या किसमें रहते हैं? भय में। और भयवश वो क्या बोलते हैं? हम तो कर्म करेंगे ही नहीं। जैसे अर्जुन बोल रहा था ना कि कर्म नहीं करेंगे, कर्म करेंगे तो बंधन लगता है, कर्म ही करना बंद कर देंगे।
तो निर्विशेषवादी भी ऐसा ही कहते हैं कि कर्म करना बंद कर देंगे। तो कर्म करना बंद कर देता है निर्विशेषवादी कि कौन सा भय होता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार में मार्ग में बाधक न हो। कर्म का फल आएगा तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, राइट। तो वो सोचता है कि कर्म ही नहीं करेंगे तो कर्म के फल ही नहीं आएगा, और फल ही नहीं आएगा तो हम वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रॉब्लम नहीं होगी, हम रियलाइजेशन की तरफ सेल्फ रियलाइजेशन की आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा होगा क्या, जल्दी से बताइए, कोई भी व्यक्ति ऐसा है बिना कर्म किए हुए रह सकता है, बोलिए। हाँ, कहां पर लिखा हुआ कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता, कहां लिखा हुआ है? कुछ लोग उत्तर दे रहे, प्रभु जी गीता में। हाँ जी, गीता में कहां पर लिखा हुआ है जी? सारी गीता में, सब अध्याय में आता है। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या उत्तर दिया है, हरी बोल। तीसरे अध्याय में है, बट श्लोक नहीं याद आ रहा। क्या बात है माता जी, रिकॉर्डिंग सुन सुन के आपने इतना ध्यान कर दिया है, हरी बोल। ये यूएस की माता जी है, अमेरिका में रहती है, अभी कुछ दिन के लिए यहाँ पर आई हुई है, और वहां पे क्लास तो अटेंड नहीं कर पाती इस टाइम पे, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनती है, और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कई बार मुझे बोला भी है कि प्रभु जी आप अच्छे से डांटते हो सबको, तो मैं तब से थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है, और रिकॉर्डिंग सुन सुन के इन्होंने थोड़ा समझ भी लिया है। 3.5 तीसरे अध्याय का पांचवा श्लोक देखिए क्या लिखा है, कौन खोलेगा? यस, 3.5 जल्दी से समय का ध्यान रखना, आजकल समय की बहुत मारामारी चल रही है यहाँ पर, शाम वाली क्लास अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, किसी किसी का मैसेज आ गया है, प्रभु जी आप शाम वाली क्लास अटेंड नहीं कर खोलना चाहते हैं क्या, मुझे मालूम पड़ गया है आप नहीं चालू करेंगे, ऐसा करके लोग का मैसेज आना शुरू हो गया है। बताइए पांचवा श्लोक प्रभु जी। यस बोलिए। अर्थ पढ़ लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अजित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के बिना नहीं रह सकता। यस, दो कारण हमने समझे थे, पहला प्रकृति के अर्जित गुणों से सत्व गुण रजोगुण तमोगुण उनके अनुसार कुछ न कुछ कर्म करेगा, दूसरा उसका कारण था आत्मा हमेशा क्या है, सक्रिय, आत्मा जड़ नहीं है, आत्मा इनर्शिया नहीं है, तो हा नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कोई भी एक सेकंड में बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता, राइट। वो भले फिजिकल काम करे या मेंटल काम करे, कैसे भी करे, वो काम तो करता रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये निर्विशेषवादी लोग जो सोचते हैं ना कि मैं काम ही नहीं करूंगा तो बंधन ही नहीं होगा, और बंधन ही नहीं होगा तो मेरे आत्म साक्षात्कार का मार्ग आसानी से मैं कर जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किंतु सगुणवादी, दोनों का कंपैरिजन दिया गया है, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। सगुणवादी क्या होता है बोलिए, अब निर्विशेषवादी तो बता दिया, मुक्ता माता जी दोनों बताएंगे, निर्विशेषवादी बता दिया आपने, अब सगुणवादी बताइए। सगुणवादी जो भगवान के साकार रूप में विश्वास रखते हैं। यस, निर्विशेषवादी जो भगवान की विशेषताओं में, भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते हैं, और सगुणवादी या साकारवादी वो क्या है, भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में विश्वास करते हैं, वो सगुणवादी। सगुणवादी क्या करते हैं, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, जीवेर स्वरूपा हय नित्येर, एक साथ सभी को बोलना होगा, कल भी याद कराया था, बोलिए बोलिए फास्ट, 1 2 3 स्टार्ट, माइक अनम्यूट करके बोलिए बोलिए ना, जीवेर स्वरूप हय कृष्णा नित्य दास, याद नहीं हुआ, जीवेर स्वरूपा हय नित्येर कृष्णेर दास, जीव का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, वो भगवान का नित्य शाश्वत दास है, ठीक है। तो सगुणवादी को तो मालूम है कि मेरा मालिक है, उसका एक रूप है और मैं भी हूं, मेरा भी एक रूप है, तो मैं उनका क्या हूं, नित्य दास हूं, और मैं अगर भक्ति करूंगा, अकर्म करूंगा, तो इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है।
जीव को क्या मालूम है, दर्शनी गिड़ियाल माता जी। सगुण वाली व्यक्ति, सगुणवादी व्यक्ति को क्या मालूम है, माइक अनम्यूट करके बोलिए, सगुण वाली व्यक्ति को क्या मालूम है, माता जी माइक अनम्यूट करके बोलिए, सगुणवादी व्यक्ति को नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, सगुणवादी व्यक्ति, हाँ बोलिए, कृष्ण भावनामृत के कार्यों को तत्पर रखता है, सो जो भी पहले मालूम क्या है, भगवान का नित्य दास है, वो भगवान का नित्य दास है, तो ये मालूम है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। जब पहले अपने को मालूम ही नहीं होगा मैं कौन हूँ तो वो क्या करेगा, गलत काम करेगा ना, अज्ञान में रहेगा ना, तो हमें पहले सबसे पहले मालूम करना है। पाप क्यों होता है बोलिए, अज्ञानतावश होता है। जब ज्ञान हो गया कि मैं भगवान का नित्य दास हूं तो वो किसमें काम करेगा, कृष्ण भावनामृत में कार्य करेगा। इसलिए कहा गया है अतः वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्य में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं अतः इस सेवा के करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त होगा। आपके क्विज में प्रश्न आएगा दिव्य सुख कैसे प्राप्त होगा, आपके क्विज में प्रश्न आएगा दिव्य सुख कैसे प्राप्त होगा, उत्तर होगा जब जीव अपने स्वरूप को जानेगा भगवान के नित्य दास के रूप में। जब जीव अपने स्वरूप को जानेगा भगवान के नित्य दास के रूप में, जब जीव अपने स्वरूप को जानेगा भगवान के नित्य दास के रूप में और कृष्ण भावनामृत के कर्मों में प्रवृत्त रहेगा और कृष्ण भावनामृत के कर्मों में प्रवृत्त रहेगा तो वो दिव्य सुख को प्राप्त होगा, तो वो दिव्य सुख को प्राप्त करेगा। लिख लिया आप सभी ने, दोबारा बोलना है, ठीक है, तीन तीन बार बोला है। अब इनको समझना इन लाइनों को, ऐसा नहीं रट लिया और चलो नेक्स्ट क्विज की तैयारी है। जीव को जब मालूम होगा, हम सबको जब ये मालूम पड़ेगा हम भगवान के नित्य दास हैं, तो हम किसमें कार्य करेंगे, कृष्ण भावनामृत में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। और ऐसे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो क्या होगा, यहां लिखा दिव्य सुख प्राप्त होगा, मतलब हम भी प्रसन्न होंगे। जल्दी से बताइए भगवान को प्रसन्न करने से हम कैसे प्रसन्न होंगे, कौन सा उदाहरण है, ऐसे तुरंत याद आ जाना है, अबरा का डबरा उदाहरण नंबर, कौन सा उदाहरण है बताइए, पेड़ का और हाँ? पेट का, पेट का उदाहरण, बहुत सही उदाहरण, और पेट का और पेड़ का जड़ में पानी डालने वाला, यस पेट का और पेड़ का, वेरी नाइस। एक और उदाहरण रह गया वो बता दीजिए, जड़ में हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, पेड़ और पेट दोनों हो चुका, तीसरा बताइए, पेट और पेड़ दोनों हो गया है, तीसरा उदाहरण, भगवान को प्रसन्न करने से हम भी प्रसन्न होंगे, हाँ बताइए, अमीर बाप का बेटा, वो उदाहरण कैसे, उदाहरण पूछ रहे हैं, उदाहरण सिंपल सा उदाहरण है, प्रभु जी जब उसे पता चला कि मैं अमीर बाप का बेटा हूँ, उसे जो वो तो बाद की बात है, वो मालूम करने के बाद, मालूम तो हो चुका है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, वो सेवा में भी लग चुका है, पिताजी की सेवा में लग गया, अब उसको खुशी क्यों मिलेगी, अब उसको सुख क्यों मिलेगा, तो ऑलरेडी आपने उत्तर दे दिया कि पिताजी खुश हो जाएंगे, वो जड़ में पानी डालना है तो सारे पत्ते जो है, पेड़ पौधे के सारे पत्ते जो है वो खुश हो जाएंगे, सबको पानी मिलेगा, पेट में खाना डालेंगे तो पूरे शरीर में जाएगा। एक और उदाहरण है, किसी को याद आ गया, मैं इशारा करके बताऊं, इशारा करके बताऊं, ठीक है इशारा करके बताता हूं, देखिएगा, हरे कृष्णा, कहां गए लोग, सब गायब हो गए, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा, हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी, इशारा इशारा देखने के लिए इधर देखना पड़ेगा आपको, देखना प्रभु, देख रहे हैं क्या, देखिए देखिए इशारा ये है, अच्छा उदाहरण है क्या, मतलब हम सजे हुए होंगे तो आईने में
अच्छे दिखेंगे ऐसा कुछ। यस, जब मूल स्वरूप को आप सजाएंगे तो जो रिफ्लेक्शन आ रहा आईने में वो भी कैसा होगा, सजा हुआ होगा। जब इसको आप डेकोरेट करेंगे तो मूल कौन है, भगवान। रिफ्लेक्शन कौन है, हम। जब मूल को श्रृंगार करेंगे, जब मूल को प्रसन्न करेंगे तो अंश तो वैसे ही प्रसन्न होगा। मान लीजिए ऐसा होगा क्या, आप यहाँ पे स्माइल कर रहे हैं ओरिजिनली और चेहरे में स्माइल नहीं आ रही, ऐसा हो सकता है उसमें आईने में? दोनों आएगा, अगर यहाँ स्माइल कर रहे हैं तो आईने में भी स्माइल आएगा। तो वास्तव में खुशी कब मिलेगी, सुख कब प्राप्त होगा, दिव्य सुख जब भगवान प्रसन्न होंगे। तो आपको क्या करना है मालूम है, अपने डेली के कार्य करते हुए आपको एक सिंपल सा काम करना है, कृष्णा के चेहरे पे स्माइल लानी है, कृष्णा खुश हो गए बस। कृष्णा खुश होते ही हम भी खुश हो जाएंगे। ये जो है बहुत ही सुंदर एक उदाहरण दिया गया है, प्रतिमुखश्री मुखश्री। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सारे जीव उनके अंश जो दर्पण स्वरूप हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। लास्ट लाइन, क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं अतः इस सेवा के करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। समझ में आ गया ना, कृष्ण प्रसन्न हो गए तो हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। उदाहरण पेट का, पेड़ का और आईने का। नेक्स्ट, जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। वो किसकी इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, कृष्ण की। वो अपनी खुद की इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं रखते हैं, भगवान की इंद्र तृप्ति की इच्छा करना चाहते हैं। उसको क्या बोलते हैं बोलिए, खुद की इंद्र तृप्ति की इच्छा को क्या बोलते हैं? सभी लोग एक साथ उत्तर दीजिए, खुद की इंद्र तृप्ति की इच्छा को। काम, काम। भगवान की इंद्र तृप्ति की इच्छा को क्या बोलते हैं? प्रेम। बहुत सुंदर। तो व्यक्ति कभी भी काम नहीं रखता है, प्रेम रखता है जो कृष्ण भावनामृत में। पर ये स्टेप एकदम से नहीं आती है, डे वन से, डे टू से, डे थ्री से नहीं आती है, समय लगता है, अभ्यास के द्वारा आती है। ठीक है, नेक्स्ट, कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। भगवान के प्रति जो वो दास्य भाव में भगवान की जो सेवा करता है और सेवा करने से सभी प्रकार के भौतिक कर्म फलों से वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। हाँ, वो मान लीजिए बिजनेस कर रहा है, कुछ उसमें थोड़ा सा लाभ भी ले रहा है और ऑफिस जा रहा है, पेट्रोल यूज कर रहा है, गाड़ी उपयोग कर रहा है, घर बना रहा है, कुछ भी कार्य कर रहा है, और सब का फल वो किसको अर्पण करता है, भगवान कृष्ण को। तो वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है। उसको क्या बोला गया है, सबुद्धिमान मनुष्येषु, वो बुद्धिमान मनुष्य है। अब आप में से जिस व्यक्ति, भगवान ने श्लोक में बोला है कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो कर्म के अंदर अकर्म देखता है, कर्म के अंदर अकर्म देखता है और अकर्म के अंदर कर्म देखता है। हमने परपोट पढ़ लिया, पूरा समझ लिया, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। और हमने कौए और कोयल का एग्जाम्पल भी दे दिया, दो तरह के बिजनेसमैन का एग्जाम्पल भी दे दिया, दोनों ही काम करते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, इंटेलिजेंट पर्सन कौन है, जो शास्त्र चक्षु से देखता है। मतलब क्या है कि जैसे ही एक व्यक्ति ने देखा कि वो सुबह उठ करके अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर के अपना टिफिन लेकर के अपनी गाड़ी में बैठ करके ऑफिस जा रहा है, धन कमा रहा है, लोगों से बातें कर रहा है, डीलिंग्स कर रहा है, और उसके बाद में दोपहर में कुछ भोजन वगैरह वहां पर जो घर से लेके आया वो ले रहा है सेम ऐसे कैसे, और शाम को जो है वो घर के लिए गाड़ी में बैठ के वापिस आ रहा है, लेकिन उसका दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि अंत में वो उसका फल किसको समर्पण करता है, कृष्ण को समर्पण करता है। या जब कर्म करता है तब किसको सेंटर में रखता है, कृष्ण को सेंटर में रखता है। तो इसको क्या कहेंगे, कर्म तो कर रहा है लेकिन उसका जीरो क्या रिजल्ट कैसा आ रहा है, भौतिक रिजल्ट कैसा है, बोलिए इशारा करके बताइए, भौतिक रिजल्ट कैसा है उसका, जीरो। उसका भौतिक रिजल्ट कुछ भी नहीं है। तो उसको क्या बोलेंगे, अकर्म कर रहा है। प्रभु जी इतना सारा कर्म कर रहा है तो भी अकर्म कर रहा है, हाँ क्योंकि वो भौतिक कर्म नहीं कर रहा, हर एक कर्म में कृष्ण को जोड़ के कर रहा है। अब दूसरा उसका अपोजिट क्या है, जो अकर्म में कर्म को देखता है। अब कई बार क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो साधु का वेश धारण कर लेते हैं, जो या फिर घर में रहते हुए दिखाते हैं कि मैं बहुत भक्ति कर रहा हूं, इस तरह से वेश धारण करते हैं और कुछ दूसरे तरह का कर्म नहीं करते,
जस्ट माला लेके बैठ जाते हैं या मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है। और हमें क्या लगता है कि ये कुछ कर्म नहीं कर रहा है, तो हमें क्या लगता है ये क्या कर रहा है, अकर्म, कुछ काम नहीं कर रहा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति देख लेता है कि वो ये सारा किस लिए कर रहा है, क्या वो इंद्रिय भोग के लिए कर रहा है। अगर वो इंद्रिय भोग के लिए कर रहा है तो वो क्या हो गया, कर्म हो गया। समझ में आ गया आपको? बुद्धिमान व्यक्ति कर्म के अंदर अकर्म देख लेता है और अकर्म के अंदर कर्म देख लेता है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। नहीं आया वापिस बोलो, ठीक है जल्दी से। पहला व्यक्ति, पहला उदाहरण क्या है, कर्म के अंदर अकर्म देखना। तो एक व्यक्ति बिजनेस करता है, जॉब करता है, काम करता है, बहुत हार्डवर्क करता है, लेकिन हर एक कार्य को कृष्ण को सेंटर में रख के करता है। वो सारा का पूरा दिन का जो भी कार्य करता है वो कृष्ण को केंद्र में रख करके करता है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, बोलिए। शून्य, जीरो, भौतिक रिजल्ट जो है शून्य, आध्यात्मिक रूप से उसकी प्रगति होगी। तो उसने क्या देखा फिर, कर्म के अंदर अकर्म, कर्म तो कर रहा है लेकिन भौतिक बंधन नहीं लग रहा, तो कर्म के अंदर क्या देखा उसने, अकर्म, राइट। अब आता है दूसरा, अकर्म के अंदर कर्म। कोई ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं, बाहर नहीं जाना, जॉब नहीं करना, ये कुछ नहीं करना, बस अपने झोपड़ी में बैठे रहो, अपने किसी कोठरी में बैठे रहो और ऐसे ध्यान करते रहो, ओ, कोई कर्म नहीं करेंगे हम, या माला कुछ कर रहे हैं, कुछ ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कुछ कर्म नहीं करेंगे हम। बाहर से क्या दिख रहा है, वो कुछ कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन जब शास्त्र चक्षु से जो बुद्धिमान व्यक्ति देखता है, एक्चुअल में वो तो कैसा है, बगुले भगत जैसा है। वो बगुला भगत क्या करता है मालूम है ना, जैसे मछली आती है अटैक कर लेता है, तो ऐसे ही बगुले भगत जैसी इसकी तपस्या है। तो वो अकर्म दिख रहा है बाहर से, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन अल्टीमेटली वो तो बहुत ज्यादा कर्म के पीछे लगा हुआ, मतलब कि भोग करने के पीछे लगा हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया ना, थोड़ा नहीं आया, आप समझिएगा इसको, सिंपल सा दिख, वापिस बोल रहा हूं। अकर्म मतलब ऐसा दिखता है बाहर से कि वो कुछ काम नहीं करता, ठीक है। अकर्म मतलब बाहर से दिख रहा है कि वो कुछ काम नहीं कर रहा है और किसी बंधन में नहीं फंस रहा है, वो बाहर से दिख रहा है। कई बार बोलते हैं ना, अरे स्वामी जी, प्रभु जी, आप लोग तो कर्म बंधन से मुक्त हो, आप तो माया के चक्कर से मुक्त हो। बाहर से दिखता है लोगों को कि हाँ, ये तो कर्म के बंधन से मुक्त है, ये तो फ्री है, ऐसा बाहर से दिखता है। लेकिन अंदर से जब शास्त्र चक्षु से या कुछ वास्तव में उसका इंटेंशन देखा जाता है, उसका क्या मतलब है उसके पीछे तो देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं इंद्रिय भोग उसके पीछे इच्छा रहती है। इसलिए आपने देखा है कई सारे साधु बहुत धन के चक्कर में पकड़े जाते हैं, जमीन के चक्कर में पकड़े जाते हैं, और कोई गलत कार्य में पकड़े जाते हैं। तो बाहर से तो क्या लग रहा था, कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है, अरे इनकी तो गद्दी के नीचे लाखों का खजाना था, करोड़ों का खजाना था, ये तो कुछ न कुछ। तो इसको क्या बोलेंगे, अकर्म में कर्म को देखना। अब दूसरा, जैसे आप लोग घर परिवार वाले हैं, और ये क्या है, बेवकूफ लोग हैं, पूरा दिन भर काम करते रहते हैं, मेटरलिस्टिक है, कर्मी लोग हैं, और उसने फिर उसमें देखा क्या, अरे ये भले काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर का काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, लेकिन सेंटर में कौन है इनके, कृष्णा, तो इनको तो कर्म बंधन नहीं है। इसका मतलब इनका क्या हो गया, अकर्म हो गया। अकर्म का मतलब नो मटेरियल रिएक्शन। समझ में आया अब आपको, तीन बार समझाया है, नहीं आया तो कल फिर से पूछिएगा, शुरुआत में समझा लूंगा। अब आपका